नमस्कार प्यारी भाइयों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजू हेल्प में। प्रांतीय रक्षक दल व होमगार्ड विभाग की संपत्ति बंटवारे की प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये जो अपडेट है लखनऊ से निकल कर आ रही है। प्रांतीय रक्षक दल और होमगार्ड विभाग के बीच जमीन और भवन बंटवारे की प्रक्रिया 35 साल बाद फिर शुरू हो गई है। इस बार दोनों विभागों के मंत्रियों और अधिकारियों ने लखनऊ में बैठक की है। इसमें तय हुआ है कि स्थलीय निरीक्षण के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। दरअसल प्रांतीय रक्षक दल की स्थापना यूपी में वर्ष 1947 में की गई। जेल विभाग की जमीन पर इसका मुख्यालय बना है। वर्ष 1963 में होमगार्ड विभाग की स्थापना हुई तो जेल विभाग से प्रांतीय रक्षक दल को आवंटित की गई जमीन पर ही होमगार्ड विभाग का भी मुख्यालय बना है। दोनों मुख्यालयों की कुल जमीन 37.5 एकड़ है। वर्ष 1987 में जमीनों के बंटवारे को लेकर प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन इसका निस्तारण नहीं हो सका है। अब द्वारा इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं प्रांतीय रक्षक दल का जो विभाग है, पीआरडी विभाग जो है, 1947 में इसकी स्थापना की गई है और 1963 में होमगार्ड विभाग की स्थापना की गई है। पीआरडी विभाग का जो दोस्तों हो मुख्यालय था दोस्तों, उसी पे होमगार्ड का विभाग भी बना हुआ, होमगार्ड मुख्यालय भी बना हुआ है। 35 साल बाद इसके भवन और ज़मीन की बंटवारे की प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है। दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या होमगार्ड और पीआरडी का मुख्यालय अलग अलग होना चाहिए? तो दोस्तों, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। अगर इस चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाली पीआरडी जवानों से जुड़ी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।